नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं राज्यसभा समाचार की। शुरुआत हेडलाइंस के साथ, मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी। राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक। चर्चा के जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में सरकार का रुख सख्त। उच्च सदन में कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष का गतिरोध। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर जताई नाराजगी, कहा कामकाज में अवरोध से नहीं होगा किसी का फायदा। और सभापति एम वेंकैया नायडू का सभी सांसदों से आजादी के अमृत महोत्सव में भागीदारी का आह्वान। बताया स्वाधीनता सेनानियों के मूल्यों और विचारों के प्रसार का अवसर। 12 मार्च से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा महोत्सव। राज्यसभा ने आज मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा से इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। राज्यसभा ने बुधवार को आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन संशोधन बिल 2021 यानी कि मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में केंद्र सरकार का सख्त रुख है और वो ईमानदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है। तो पहले तो करप्शन से एग्रीमेंट करो, करप्शन से नेचुरल रिसोर्स लो। उस समय की सरकार कुछ काम करती नहीं है, हमारी सरकार आई, सारी गड़बड़ी पकड़ी, आज इंक्वायरी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमको पूरा पैसा भी दो और एक इन्वेस्टर अमेरिका में, एक इन्वेस्टर बाकी जगह। सर, द लार्जर क्वेश्चन टू बी कंसीडर्ड, क्या भारत के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ना उनके अवार्ड में, ना उनका, ना किसी का नहीं जाएगा। वो कार्रवाई करते नहीं है। हम कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ईमानदार कर रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं वो परेशान हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से चलेगी। इसीलिए सर हम लोगों ने ये कानून करने की कोशिश। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि ये विधेयक शासन के हर क्षेत्र में पारदर्शी तंत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था का एक दूसरा प्रावधान है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक गैर मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस भावना के साथ में जब प्रधानमंत्री जी ने चौकीदारी की बात करते हैं तो वो चौकीदारी जहाँ जहाँ जो बेईमानी हो रही थी उसको रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। चर्चा के दौरान कई दलों के सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर कानून मंत्री से स्पष्टीकरण भी मांगा। 2A of the act, which has to be read with section 36, it states that an award shall not be set aside merely on the ground of an erroneous application of the law or by reappreciation of evidence. So the question of reappreciation of evidence is not provided for in section 34. It is not an appeal provision. But how is it possible that a prima facie case can be made out without first providing for it in section 34? This is arbitral awards where the underlying arbitration agreement or making of the arbitral award is induced by fraud or corruption. The amendment also aims to promote India as a hub of international commercial arbitration. In case of fraud, if there is a coercion or there is an undue influence or there is a corruption, definitely the court is having absolute authority to grant stay of the operation of such awards for the reasons to be recorded in writing. What else is required to have a stay? Grant of stay is purely within the discretion of the
ऑनरेबल कोर्ट। ये विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करता है। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही अब अदालत धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकेगी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में ये कहा गया है कि प्रतिष्ठित मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थतम केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की 8वीं अनुसूची को खत्म करना आवश्यक समझा गया। विधेयक को इसी साल 12 फरवरी को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। कृति मिश्रा, संसद टीवी। राज्यसभा में आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने अवरोध पैदा किया। दोपहर 2 बजे से पहले विपक्षी दलों ने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करते हुए कार्यवाही को बाधित किया। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। शून्यकाल शुरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने का जिक्र किया। सर, वी हैव ऑलरेडी गिवन ए नोटिस अंडर रूल 267 नियरली आवर 4 यंग लीडर्स दैट रिगार्डिंग फार्मर्स issue problem. Sir, I am requesting you, you allow under 267 rule to discuss this issue. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें कांग्रेस, आरजेडी और डीएमके के सांसदों की ओर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिले हैं। बीएसपी सांसद की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत पर चर्चा के लिए नोटिस मिला है। You have discussion on farmers, Minister of Agriculture, under rural development, food processing. This is listed for discussion, and almost I think 2 hours or 3 hours is given. You are not interested in discussion. I am allowing discussion on farmers. So part of the BAC meeting, it has been decided that we will be discussing about farmers this thing also. And also, there is 3, 4 plus 4 plus 4, almost 12 hours on the appropriation bill and finance bill, where you can raise all these issues. सभापति ने सदन में लगातार गतिरोध को लेकर नाराजगी भी जताई। ये पद्धति नहीं है। कानून को वापस लेना है तो उसका तरीका है, आपको मालूम है। And then, if you have the numbers and you can prevail upon the government, if the numbers are not there and then you want to disrupt the house, it's not fair. So I once again appeal to all of you, please go to your seats. You are not doing any justice to the farmers' cause. You are only 18 members, zero over matters which are very important have been admitted by me. They are all eager, including members from this side. They want to raise the issues. If you don't want discussion, you want to continue disruption, I leave it to you. अवरोध से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित रहा। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और इसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष शुरू होने पर मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव में उच्च सदन के सदस्यों से भाग लेने का आह्वान किया। सदन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस अवसर को मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव की योजना बनाई है, जो कि 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी मार्च की याद में होने वाली साबरमती से दांडी तक की यात्रा से होगी। The celebrations are to be dotted with several events, exhibitions, social media campaigns, virtual shows and site events across all the states and union territories of the country. The Mahotsav will commence on 12th March 2021 with the Padayatra from Sabarmati to Dandi, stretching over 24 days and culminating on 5th April 2021, thus following the footsteps of Bapu to commemorate this historic Dandi March undertaken by Bapu in 1930. During the aforesaid period,
The 75th year of our independence indeed is a special occasion for all of us and citizens of our country, and Azadi Ka Amrit Mahotsav will definitely add to the ethos, values, spirit of freedom we all cherish. I urge upon the honorable members to take part in the Mahotsav in large numbers and in various capacities in their own respective areas, and spread the values and ideals which our freedom fighters always stood for, and helped our country gain freedom from the yoke of colonial rule. और उच्च सदन में संसदीय कार्य मंत्री राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अगले हफ्ते के दौरान लाए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों समेत सरकारी कामकाज के बारे में बयान दिया. One, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. That is, it contains statutory resolution seeking disapproval of the Arbitration and Conciliation Amendment Ordinance 2020, number 14 of 2020, promulgated by the President of India on the 4th November 2020, and consideration passing of the Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2020 as passed by Lok Sabha. Two, discussion on the working of the Ministry of Jal Shakti, discussion on the working of the Ministry of Railways, consideration and passing of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill 2019. Second item, discussion on the working of the following ministries: Tourism, Food Processing, Industries, Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development, both to be discussed together, and Tribal Affairs. Item number three, consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha. One, demand for grants for 2021-22 and supplementary demands for grants for 2020-21. Both may be discussed together. Item number four, consideration and passing of the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020 as passed by Lok Sabha. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.